ना तुषार जी आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म का नाम है सांड की आंख ऐसे कुछ दादी माँ की कहानी भी ऐसे कुछ रख सकते थे लेकिन दादी आपने बनाना है तुम 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 पिक्चर बनाना है क्यों बोल रहे आपने कोई खास वजह अरे आपने ट्रेलर देखा देखा है अरे अब हम टीजर देखा था आपने टीजर से कोई बता दो इनको आंसर थैंक यू थैंक यू थैंक यू अरुण अब नाक मत कटवाओ तुम ऐसे क्वेश्चन पूछ नहीं, के यू नो you know, तापसी जी एंड भूमि जी यू you नो know, निशाना लगाना आप लोगों ने सीख गए हैं तो आ? अगर आप हमें बताना चाहे कि आओ वो तो डेमो करूंगी मैं तेरे नहीं, साथ नहीं नहीं मेरे साथ नहीं यू you नो know, इंडस्ट्री स्टार्टिंग टाइम में जब आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे तब आ, अभी किसी भी करीब में ऊपर ऐसे निशाना लगाना चाहेंगे जिन्होंने जो आपको बोला कि आपका चेहरा नहीं देखना चाहते ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे नहीं नहीं उनको जिंदा रखना चाहती हूँ आई वांट देम टू स्टे अलाइव फॉर रियली लॉन्ग टाइम एंड वॉच माय फिल्म्स सिर्फ मेरा ही मेरा चेहरा देखोगे आप तुम अभी तो आई डोंट वांट टू किल एनीवन मम्मी मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल ये हरियाणा की स्टोरी नहीं है ये जौहरी विलेज की कहानी है।, यूपी में यूपी में है।, में है, है एक तो ये yeah. first, और uh, मैं, मैं जब जा रहा था ये पिक्चर शूट करने का फियर आप लोग जो बोलते हैं मुझे बताया गया था कि मेरठ में आप शूटिंग कर रहे हो बहुत टफ really? होगा मेरठ में बहुत टफ होगा बहुत टफ होगा बहुत डेंजरस है पर वहाँ के लोग इतने अच्छे थे एंड मैं सची मैंने मैंने कुछ नहीं देखा ऐसा वह The women ट्रीट treated so well.

तो uh, मेरा आपसे सवाल है से आपने जस्ट अभी हाल ही में कहा था कि यू you नो know, मैं फिल्म करना चाहती पे दो हो इज सच अ रेयर थिंग मतलब आज होता है कि आप, ओ, लाइट चली <laughs> गई <चलीगे. चलीगे. laughs> <रहा है> <laughs> नहीं, नहीं, अच्छा रहा है। लाइट क्यों बंद कर दी आईनॉक्स क्या हो गया सॉरी कुछ गलत बोला गया हमने सवाल ये आज के टाइम साइट

ड्यू नहीं मिलता काफ़ी लोगों को जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवीज़ के लिए इवन इफ इट्स अ सिंगल हीरो और अ सिंगल हीरोइन रिवन फिल्म बहुत सारे और लोग होते हैं पिक्चर के ना जिसकी वजह से पिक्चर अच्छी या बुरी होती है सो आई थिंक इट्स अनफेयर टू टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम दैन दिस पर्टिकुलर केस बिकॉज येस यू आर राइट दिस दिस विजअल इज नॉट वेरी नॉट समथिंग आर पी सी वेरी ऑफन ऑन स्क्रीन इज वाई मेरे को ना हर चीज़ थोड़ी सी पुठी जिसको कहते हैं ना उल्टी करने का आदत है कि जो चीज़ नहीं हुई कर है करके देखते कैसे होती है तो उसी एक्साइटमेंट में कर लिया है हमने एंड आई थिंक भूमियन आए बोथ बिलीव इन द फिल्म एंड द स्क्रिप्ट एंड आर रोल्स इंडिविजुअली सो मच कभी एक सेकंड के लिए आप मतलब हम लोग तो चल, चलो अभी स्टेज पे हैं तो अच्छा ही बोलेंगे दूसरे के बारे में बट इन एनी केस इफ दिस एनी ऑन द सेट यू एवर नो आई थिंक यू कैन प्रॉब्लली

so yeah. secure in our roles you know where the film is concerned and we realize that th th this film is being made for a bigger reason yeah you know you, you can't have any petty ideology really, uh, connected in this film you know we all have really given our best and i feel tapsi and i are very secure as actors you know so i'm glad that we could do this together and that and we had such a great time भूमि मेरा आपसे एक और सवाल है भूमि आप फिल्मों में तो अच्छा काम करती हैं लेकिन आपने अभी रिसेंटली आपने एक और इनिशिएटिव उठाया विच इज अ क्लाइमेट वॉरियर सो अब उसके बारे में आप थोड़ा बिकॉज हमने टीजर देखा है ऑन इंस्टाग्राम एंड नाउ यू लाइक यूर टेकन अपन इनिशिएटिव विदाउट एनी सपोर्ट विदाउट एनी सो यू आर डूइंग इट पर्सनली आप खुद जा रहे हैं आप आप wrong, आप इफ आई नॉट रॉन्ग जा रहे थे वहाँ पे भी आपने कुछ वाटर कंजर्वेशन yeah. के रिलेटेड कुछ किया सो so, प्लीज थोड़ा आप उसके बारे में बताइए इज इज योर विजन जी द विजन इज टू मेक अ डिफरेंस द विजन इज टू एजुकेट पीपल आई रियली फील दैट वी एज अ सोसाइटी हैव बिकम वेरी केयरलेस टूवर्ड्स आ होम हमारा घर वो चार दीवारी नहीं है जिसमें हम रहते हैं हमारा घर हमारा प्लानट है और उसी को जो भी बचा सकते उसको बचाने की एक uh,

Uh, ये ट्रेलर देख के फिल्म देखने के एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई मदर विद मी टुडे दैट्स अ गुड वे टू बिगिन तो उनको भी ये बहुत अच्छा लगा वो बार बार मेरा हाथ थामने की कोशिश कर रही है दिखाने के लिए कि उनको बहुत पसंद आया थैंक यू थैंक यू सो मच मैम तो इसी मौके wow. पर आप दोनों को पूछना चाहूंगी तापसी यू एंड भूमि आप दोनों के लिए इस फिल्म में सबसे टफेस्ट पार्ट क्या है क्योंकि यंग एज में इतना आसान भी नहीं है बालों को ग्रे करना बालों को ग्रे करना बहुत आसान yeah. है एक्चुअली वो सबसे आसान पार्ट है uh, मुश्किल था uh, वो बॉडी लैंग्वेज लाना yeah. वो बोली लाना वो स्टाइल uh, जो है इनका जो इनका ना इनहेरेंट स्वैग है एक yeah. वो हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज दे आर दिस एज और दे लिव इन अ विलेज उनका अपना ही स्वैग है एक वो लाना अपनी बॉडी में वो बहुत बड़ा चैलेंज था वो बहुत वो सबसे ज़्यादा वही है मैं को, मेरे को तभी वेट कर रही हूँ मैं लोग रिएक्शन देंगे कि Do we like really bring that swag on screen? Because they are truly both of them have a swag. Like you should yeah. see them the way they talk, the way they walk, the way they handle the gun. I mean, they'll put a lot of us to shame. Yeah. So yeah, so that was the biggest challenge. Or eggju or dono dadio make बात है यू नो जो मैंने पहले भी कही मेरे लिए मुझे ये प्रेशर था कि यार उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी जी है यू नो जहाँ पे उन्होंने इतने पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस के साथ बड़े से बड़ा पहाड़ चढ़ लिया क्या हम वो वो ममता वो वॉम्थ वो पॉजिटिविटी हमारे परफॉर्मेंस में ला पाएंगे क्योंकि इनके पास इतने सालों का लाइफ एक्सपीरियंस है और मतलब हमने हार्डली कुछ किया है लाइफ में कंपेयर टू वॉट देव डन यू नो तो मेरे मतलब फॉर आज वी वो जस्ट लाइक हम वो अपने आप में इंकलकेट कर पाएंगे या नहीं इट वॉज रियली रियली अ वेरी चैलेंजिंग बट अ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस

जो स्टार्टअप के पीछे भागते हैं उनको सोलो रोल चाहिए अच्छे एंट्री चाहिए बट आप लोग सबसे अलग हो आप दोनों इसमें तो आप अलग कर मुझे नहीं लगता ऐस कोई ऐसी चीज है कि अगर आप एक स्टार है तो आप एक्टर नहीं है बहुत ही पुराने मुझे लगता है बहुत ही पासे कॉन्सेप्ट है मतलब आप हो रही है पिछले दो साल की फिल्में देखिए सारी हटके फिल्म है और उन फिल्मों की वजह से बहुत सारे नए नए स्टार भी उभर के आए हैं तो मुझे लगता है वो जमाना चला गया आज सबसे बड़ा स्टार है एक पिक्चर का राइटर और एक पिक्चर का डायरेक्टर आई यू लिस्निंग दैट मीन्स साइनस फॉर द नेक्स्ट फिल्म इमीडिएटली अब तापसी और भूमि इस फिल्म के बाद जैसा आप लोग आप खुद सोचिए आपके मन में भी बदलाव आया होगा आपके दिल में बहुत सारे सोच मेरे मन में बदलाव मार्च से चल रहा है <laughs> 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 बहुत सारे बदलाव हो आए होंगे आपको भी मैसेज मिले होंगे तो आपने जितने सोच में आप आपकी सोच में बदलाव आया आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को इस फिल्म के जरिए पर्सनल लेवल पे आप फिल्म Personal से तो मिलेगा पर्सनल लेवल हाँ. पे तो यार आई एज आई सेड बिकॉज़ आई रियली वांट एवरीवन टू टेक लाइक हाउ दिस लेडी एज गॉटन हर मदर आई रियली वॉन्ट कि सब अपने पेरेंट्स को लेके जाएं क्योंकि आप एक बार ही देखोगे ना आपको रियलाइज होगा कि शायद हाँ दिस इज द स्टोरी ऑफ माई मदर माई ग्रैंड मदर तो दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट देंट आई फैमिली टू गो एंड वॉट टूगैदर टू से कोई उम्र अब जीने के लिए कोई उम्र ज़्यादा नहीं होती है आप पचास हो साठ हो सत्तर हो उस समय भी लाइफ शुरू हो सकती है डोंट गिव अप ऑन लाइफ तो मैं चाहती हूँ कि सबको हर उम्र वाले इंसान को देख के इंस्पिरेशन मिले के देर इज नो एज टू स्टार्ट लिविंग में तुषार जी तुषार जी आपके लेफ्ट में यहाँ अप लेफ्ट में हाँ। you know, तुषार जी आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म का नाम है सांड की आँख ऐसे कुछ दादी माँ की कहानी भी ऐसे कुछ रख सकते थे तुम पिक्चर बनाना एक, फिर उसका दादी माँ की कहानी नाम रखेंगे ठीक है मैं डायरेक्टर नहीं हूँ ये क्या डायरेक्टर को क्यों बोल रहे हो फिर खास वजह साढ़ की आंख रखा है ट्रेलर देखा है टीजर देखा है अरे अब हम टीजर देखा था आपने थीज़ थीज़ में आप में? पे से कोई बता दो इनको आंसर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू। अरुण अब नाक मत कटवाओ तुम तो ऐसे क्वेश्चन पूछ नहीं, के। यू नो you know, तापसी जी भूमि जी यू you नो know, निशाना लगाना आप लोगों ने सीख गया है तो आ? अगर आप हमें बताना चाहें तो डेमो करूंगी मैं तेरे साथ नहीं मेरे साथ नहीं यू नो इंडस्ट्री स्टार्टिंग टाइम में जब आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे तब uh, अभी भी के ऊपर हाँ। ऐसे निशाना लगाना चाहेंगे जिन्होंने जो आपको बोला कि आपका चेहरा नहीं देखना चाहते ऐसे लोगों को कुछ कोई? कहना चाहेंगे नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं उनको जिंदा रखना चाहती हूँ <laughs> I want them to stay alive for really long time and watch my films. सिर्फ मेरा ही मेरा चेहरा देखोगे अब तो अभी तो I don't want to kill anyone. मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल ये हरियाणा की स्टोरी नहीं है ये जौहरी विलेज की कहानी है जो कि तो वेस्ट यूपी में है। यूपी में, है, है। में है, जो मेरठ है एक तो ये फर्स्ट लेट्स करेक्ट दैट और uh, मैं मैं जब जा रहा था ये पिक्चर शूट करने सब सब मुझे सा, जैसा आपका फियर आप लोग जो बोलते हैं मुझे बताया गया था कि मेरठ में आप शूटिंग कर रहे हो बहुत टफ होगा मेरठ में बहुत टफ होगा बहुत टफ होगा बहुत डेंजरस है पर वहाँ के लोग इतने अच्छे थे एंड मैं सची मैंने मैंने कुछ नहीं देखा ऐसा द दिमेन आर ट्रीट सो वेल